Okay students, so today we are going to solve some questions related to chapter 5. So your first question is, the position of three elements A, B, C in the periodic table is shown below. So this is the periodic table जो थोड़ा सा दिया हुआ है कि group 16 है उसमें पहला तो हमको पता नहीं है बट उसमें सेकेंड और थर्ड में हमको पता है कि ए एलिमेंट है बी एलिमेंट है. ग्रुप 17 के दो फर्स्ट एलिमेंट को उसने लिखा नहीं है और एक थर्ड एलिमेंट सी है. तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल. सो ग्रुप 17 के मेंबर्स मेटल्स होते हैं कि नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. ग्रुप 17 मतलब कौन हो गया, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन. ठीक है, मैंने आपको हाईलाइट किया था कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हमको पता होने चाहिए. सो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्या हैं, बेसिकली दे आर हेलोजन्स और हेलोजन्स क्या होते हैं, दे आर नॉन मैटर. तो सी क्या होगा, मेटल होगा. सी तो सॉरी ए लिखा हुआ है क्या, सॉरी स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल. तो ए का देखना है हमको, तो ए जो है ग्रुप 16 का मेंबर है. ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली. जो ऑक्सीजन जो है ना ग्रुप 16 में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है देन सल्फर आता है ना. तो ऑक्सीजन सल्फर जो है वो क्या है, मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, सो ग्रुप 16 के जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉन मेटल. तो ए क्या होगा, नॉन मेटल होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन से ग्रुप के नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, ग्रुप 15 के भी नॉन मेटल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स. ठीक है, ग्रुप नंबर 13 अगर आता है तो वो मेटल्स हैं. ठीक है, ग्रुप 14 आता है तो वो अगेन नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं ग्रुप 14 में. 15 16 17 के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स. 18 के भी सारे मेंबर्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स. तो आपके दिमाग में वो जो पीरियोडिक टेबल है ना, एटलीस्ट वो छपा होना चाहिए किस टाइप का होता है. पहला ग्रुप नंबर 1 होता है, 2 होता है. ठीक है, फिर इधर 15 16 17 18 ऐसा रहता है. फिर बीच में क्या होता है, पहले दो पीरियड रहते नहीं है ना बीच में. तो वो आपके दिमाग में ऐसे प्रिंट होना चाहिए वो पीरियोडिक टेबल, इतना उसको अच्छे से ध्यान से देख लो. ठीक है, सो ग्रुप नंबर 16 है तो ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स नॉन मेटल होते हैं, इसलिए ए क्या होगा, नॉन मेटल. सो आप लिख लीजिए आंसर ए, ए इज अ नॉन मेटल, ए इज अ नॉन मेटल. नेक्स्ट, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए. अब आपको बोलता है कि सी ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है. सो आपको मैंने बताया था कि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं किसी भी ग्रुप में, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की ग्रुप में अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और अगर मेटल में जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. ग्रुप 1 और 2 में रिएक्टिविटी आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज होगी, जबकि नॉन मेटल के केस में डाउन द ग्रुप जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. तो देखो ये जो ग्रुप नंबर ए है ये सेकेंड पीरियड में, और ग्रुप नंबर सी जो है वो थर्ड पीरियड में, मतलब नीचे है, ए ऊपर है और सी नीचे है. तो सी क्या होगा, इट विल बी लेस रिएक्टिव देन ए. तो लिख लो आंसर, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए बिकॉज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हेलोजन्स, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 क्या है, हेलोजन्स है. नेक्स्ट है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी. बी और सी के साइज को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है. ठीक है, सो किसी भी पीरियड में क्या ट्रेंड था, हाँ यही रख दो. तो मैंने आपको बताया था पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, कम होता है. ठीक है, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज ऑलवेज डिक्रीजेस. व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑलवेज द साइज डिक्रीजेस. सो बी क्या होगा, बड़ा होगा, और सी क्या होगा, छोटा होगा. ठीक है, सो आंसर लिख लीजिए, सी विल बी स्मॉलर इन साइज देन बी एज मूविंग across a period comma
The nuclear charge increases. And therefore, electrons come closer to the nucleus. आपका नाम क्या है? जानवी. तो समझ में आया क्या हो रहा है? जब हम इस तरीके से जाते हैं किसी अक्रॉस द पीरियड, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं ना. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है. अब न्यूक्लियस अपने तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? पुल करेगा, तो उनका साइज क्या हो जाएगा? छोटा. ठीक है. सो एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड ऑलवेज द साइज डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस मोर फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. ठीक है. सो ये एक रीज़न है. तो समझ में आया. अब नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म बाई एलिमेंट ए? एलिमेंट कैटायन फॉर्म करेगा कि एनायन फॉर्म करेगा? कैटायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. और एनायन मतलब नेगेटिव. तो ये ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं दे आर नॉन मेटल. सो नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? कैटायन और एनायन. एनायन है ना. जो नॉन मेटल्स हैं दे ऑलवेज फॉर्म एनायन. सो ग्रुप जो एलिमेंट ए है वो कैसा आयन फॉर्म करेगा? एनायन. सो लिख लो आंसर. ए विल फॉर्म एन एनायन because it is a non-metal, so its tendency is to gain electron. ठीक, clear हो गया ये question? तो direct question नहीं आते हैं, इसी तरीके से घुमा फिरा के questions आते हैं, जिसमें आपको सारे जितना भी पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स हैं कि एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है अक्सर क्वेश्चंस, वो आते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर पता है, वहाँ से आपको उसका उस एलिमेंट का पोजिशन पता करना है कि वो कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा. ठीक है. जैसे कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 16. ठीक है. और आपको पता करना है कि उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या है. तो इसका आंसर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे छुपा हुआ है. ठीक. अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, आप उसका ग्रुप और उसका पोजीशन बताओ पीरियोडिक टेबल में. सो पोजीशन बोले तो हमको क्या क्या बताना है? उसका पीरियड और ग्रुप नंबर. ठीक. कैसे निकालेंगे? तो पहले अगर एटॉमिक नंबर हमारा 16 है तो इसका आप निकालो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा. तो जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उतना उसका पीरियड होगा, क्योंकि इसमें तीन शेल्स हैं, तो ये कौन से पीरियड का मेंबर है? थर्ड पीरियड का. ठीक है. सो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा. ठीक है. अब हमको ग्रुप नंबर निकालना है. सो ग्रुप नंबर निकालने के लिए एक फंडा ये है कि अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 और 2 है, तो अगर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, अगर वो 2 है तो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है. पर जैसे ही उससे ज़्यादा हुआ तो आप उसमें 10 ऐड कर देना. ठीक है. तो ये 6 है तो वो कितना हो जाएगा ग्रुप नंबर इसका? 10 प्लस 6 मतलब 16. तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर्स हो गया? 16. तो थर्ड पीरियड में 16th ग्रुप में ये एलिमेंट जो होगा, तो ये कौन सा है? 16 किसका होता है? सल्फर. तो ये कौन सा एलिमेंट है? सल्फर. और वो कहाँ होगा? पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 16 में. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं कि उसका पोजीशन बता. तो पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? पीरियड से, सॉरी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. जितने नंबर ऑफ शेल्स वही उसका पीरियड. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालेंगे? ग्रुप नंबर. ठीक है. तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप लोग लिख लो. 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड कैपिटल में लिखेंगे. ठीक है. एक्स वाई एंड जेड को 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड हैव एटॉमिक नंबर्स 7
8 and 9 respectively. Full stop. Part A of this question. State their position in the modern periodic table. State their positions in modern periodic table. Part B. Arrange these elements in the decreasing order of their atomic radii. In the decreasing order of their atomic radii. फोन को आप लोग साइलेंट में डाल के रखा करोगे. Arrange these elements in the decreasing order of their atomic radii. 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 सब लोग अपना फ़ोन साइलेंट में कर लो. कर लिए हैं. सी पार्ट. राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. Formed when X combines with Z. So, चलो एक एक करके हम लोग पार्ट कर क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट हमारा पूछता है कि सबका क्या निकालना है. पोजिशन. सो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हैं सबका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो फर्स्ट लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स. लिख लो सबके सब. आता है ना लिखने. एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. देन उसके बाद यहीं पर हम लिख लेंगे कि वो कौन से पीरियड का है और कौन से ग्रुप का है. फिर हम लिखेंगे एक्स का क्या लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 2, 5. तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा. 2. सेकेंड है ना. दो शेल्स हैं तो सेकेंड पीरियड का मेंबर है. ग्रुप क्या होगा इसका. 15. ठीक है. वाई का कॉन्फ़िगरेशन क्या है. 2, 6. सो वॉट इज द पीरियड नंबर. ग्रुप नंबर 16. वट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेड. 2, 7. ठीक है. सो पीरियड नंबर इज 2 एंड द ग्रुप नंबर इज 17. एवरीबडी गॉट दिस आंसर. यस. ओके गुड. अब नेक्स्ट बोलता है अरेंज द एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई. सो रेडियाई किस पर डिपेंड करता है. न्यूक्लियर चार्ज पे. ठीक है. और दूसरा वो नंबर ऑफ शेल्स पे भी डिपेंड करता है. ठीक. सो नंबर ऑफ शेल्स तो तीनों में सेम है ना. तो अब क्या देखेंगे हम, न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है. न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, एक्स में कि वाई में कि जेड में. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कुछ भी जवाब दे दो जो मन में आता है बोलो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट. हाँ नहीं, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. अगर वो आयंस हैं तो अलग अलग हो सकते हैं.
नाइन्थ में था. हाँ बोलो. एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में है. तो किस में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं? जेड में. अगर जेड में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो वो जो शेल्स हैं, दो शेल्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहे होंगे. तो साइज सबसे छोटा किसका हो जाएगा? जेड का. ठीक है. और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे उसका साइज बड़ा होगा. तो एक्स वाई जेड में सबसे बड़ा कौन सा होगा? एक्स. उसके बाद फिर छोटा उससे छोटा वाई, और सबसे छोटा जेड. सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि सिंस जेड कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो इट विल बी हैविंग, इट विल, इट इज, इट्स साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्स एंड वाई. या डायरेक्टली अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने बोलते हैं तो आप सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस. सो याद रखना डिक्रीजिंग में लिखना है कि इंक्रीजिंग में, है ना? बच्चे उल्टा सीधा लिख देते हैं. ठीक है. तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. एक्स का साइज सबसे बड़ा और जेड का साइज सबसे छोटा. रीजन क्या है? बिकॉज जेड हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन एक्स एंड वाई, दैट्स व्हाई इट साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्स एंड वाई. सो दिस इज सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट, अगर एक्स और जेड कंबाइंस होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है? हमको दोनों का सिंबल्स पता होने चाहिए और वैलेंसी पता होनी चाहिए, याद है ना? तो पहले वैलेंसी ऑफ एक्स निकाल लो. क्या होगी भाई एक्स की वैलेंसी? थ्री. एक्स की वैलेंसी होगी थ्री. और जेड की? वन. तो अगर वो लोग कंपाउंड फार्मूला, अगर कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो किस टाइप का उनका फार्मूला हो जाएगा? फार्मूला कैसे लिखते हैं? पहले सिंबल्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? दोनों की वैलेंसी. उसके बाद वैलेंसी को क्या कर देते हैं? क्रॉस ओवर कर देते हैं. तो फार्मूला क्या आएगा? एक्स वाई थ्री. सो पहले याद है कि नहीं, पहले हम लोग सिंबल लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे? वैलेंसी, और लास्ट में फॉर्मूला. सो इस तरीके से आप, अगर जेड है क्या, सॉरी जेड है तो एक्स जेड थ्री आ जाएगा वो. क्लियर हुआ? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि क्या दोनों कंबाइन होके किस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, तो आप क्या निकाल लेना? दोनों की वैलेंसीज, और वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर कर देंगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक. इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए. बी पार्ट, स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और ए नॉन मेटल. Write the nature of bond formed C part है ना ये. क्या लिखे? Write the nature of bond formed if A reacts with
another element B. Of electronic configuration 2, 8, 1 full stop D part write the chemical formula of the compound formed चलो सो एक एलिमेंट ए है उसका आपको पोजीशन दिया हुआ है कि भाई वो थर्ड पीरियड का मेंबर है और ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है तो उसको आपको एटॉमिक नंबर निकालना है. ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है सॉरी पीरियड नंबर 3 का मेंबर है मतलब उसमें कितने शेल्स होंगे 3 शेल्स होंगे. ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 ठीक है. सो आप लिख सकते हैं कि अगर पीरियड नंबर 3 है सो उसमें नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट कितने हो जाएंगे 3 है ना. और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा 17 माइनस क्या कर दोगे 10 तो क्या निकल जाएगा आपको 7. सो 3 है हमारे पास आखिरी में 7 है तो इससे पहले वाले में कितने होंगे और उससे पहले वाले में 2 तो ये उसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो एटॉमिक नंबर पता चल गया. क्या है एटॉमिक नंबर 17 ठीक लिख लीजिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. आप जब बोर्ड में लिखते हैं ना बोर्ड एग्जाम में जब लिखेंगे ना तो पूरा फुल फॉर्म लिखना है ना बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में. नंबर को कभी भी एग्जाम में ऐसा मत लिखना NO हमेशा नंबर लिखना ठीक. यही सब चीज़ें हैं जो आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग करेगी. जो पेपर चेक करने वाला है वो यही सब देखता है ठीक है. क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट में. ए मेटल है कि नॉन मेटल है. नॉन मेटल है क्योंकि इट इज़ ए मेंबर ऑफ ग्रुप 17 विच इज़ अ हेलोजन ग्रुप ठीक है. सो आप लिख सकते हैं ग्रुप नंबर 17 इज अ हेलोजन ग्रुप हैंस ए विल बी नॉन मेटल ठीक है. लिख लिया आंसर. पार्ट नंबर सी राइट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इफ ए रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1. सो देखो ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 7 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी क्या दिया हुआ है 2, 8, 1. तो अगर ये दोनों मिलके कोई एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसका नेचर क्या होगा वो कोवेलेंट होगा कि आयनिक होगा ये बताना है आपको. क्या लगता है देख के आयनिक समझते हैं ना. आयनिक बॉन्ड कब बनता है व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वहाँ पर बनता है आयनिक बॉन्ड. कोवेलेंट मतलब दोनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ठीक. सो कैसा बनेगा यहाँ पर आयनिक बनेगा है ना. ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा ठीक है. सो आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर कि सिंस बी विल लूज़ वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और जो ए है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट सो देयरफॉर दे विल मेक अ आयनिक बॉन्ड ठीक है. तो लिख लो क्या लिखोगे एलिमेंट बी विल लूज वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट एंड एलिमेंट ए विथ गेन वन इलेक्ट्रॉन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट हैंस द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी
विल बी आयनिक बॉन्ड, और एग्जाम में लिखे हैं तो उस आयनिक बॉन्ड को ऐसे डबल अंडरलाइन कर देना, ताकि जो चेक करने वाला है वो क्या करेगा, एकदम से देखेगा कि हाँ उसने आयनिक बॉन्ड लिखा, उसको पूरी कहानी पढ़ने का समय नहीं रहता क्योंकि उसको बहुत सारे पेपर्स चेक करने हैं ना, तो उसने आयनिक बॉन्ड भी देख लिया तो ही विल गिव और ही और शी विल गिव यू फुल नंबर। ठीक है, तो जो हाईलाइट करने वाले पॉइंट है ना, जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो उसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देना। ठीक है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर ए और बी कंपाउंड, अगर कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा। सो वैलेंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा, कितनी वैलेंसी है ए की, 1, और बी की भी कितनी रहेगी, 1, है ना। ए की अगर हम देखें तो वो -1 हो जाएगी और इसकी +1 हो जाएगी, है ना। सो ओवरऑल अगर ये कंपाउंड बनाते हैं ए और बी, तो इसकी इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा इनका, ए बी, तो ये हो जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 17। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16। ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पार्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड वैलेंसी ऑफ एक्स। पार्ट बी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हेन एक्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, व्हेन एक्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। And draw its electron dot structure. Part C. Name the element X and state whether it is metallic or non-metallic. खुद से बनाइए तो उसको। तो फर्स्ट पार्ट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालने के लिए, है ना। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स। क्या लिखे, 2, 8, 6, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल्स, तो वो हो जाएंगे 6। और वैलेंसी, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वैलेंसी कितने हो गए, 2। ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 बोलते हैं अगर ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो किस टाइप का बनाएगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन, ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ये मतलब ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, सो पहले अगर आप हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराओगे सो नॉन मेटल बाद में आएगा और हाइड्रोजन पहले आएगा। जैसे H2O बनाते हो ना, तो ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल वो बाद में आता है और हाइड्रोजन पहले आता है। ठीक, सो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और सल्फर की, सॉरी सल्फर तो नहीं है, ये क्या है, X है, तो इसकी वैलेंसी 2। तो ये कैसा टाइप का कंपाउंड बनाएगा, H2X। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक, सो आप यहाँ पूरा लिख लेना, हाँ सिंबल्स वैलेंसी और फॉर्मूला लिख लिए हैं, हाँ शेयर करेगा।
इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। फॉर्मूला बनाने के लिए अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सो जो एक्स है, एक्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कंप्लीट करेगा? ये हाइड्रोजन से, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन के 2 भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इस एक्स के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा उसका डॉट स्ट्रक्चर। वैसे अगर जब इस टाइप का H2O आता है ना, तो उसको साइडवाइज बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कर लो, यहाँ पर 1 कर लो, इस तरीके से बनाओ। अभी कौन सा एलिमेंट है और उसका वो मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है? तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये सल्फर है, और सल्फर क्या होता है? नॉन मेटालिक। सो नेम ऑफ द एलिमेंट इज सल्फर एंड इट इज अ नॉन मेटल। क्लियर है क्या? ठीक, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, पर उस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन। हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन मूविंग पार्ट ए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड बी पार्ट बी डाउन अ ग्रुप क्वेश्चन मार्क। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। कहीं पर छूट गया क्या सम्यक देव? डाउन अ ग्रुप क्वेश्चन मार्क। फिर लिखो गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको पीछे लिखा चुकी हूँ नोट्स में कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन अ ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है ना। पूरा एक टेबल के साथ बताया है कि जब हम डाउन अ पीरियड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो, और अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। उसका क्या रीज़न है वो भी आपको लिखा हुआ है वहाँ पर उस आंसर में। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं ना कि आपको यही पूछेगा कि हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी डाउन अ ग्रुप, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। कि डाउन अ ग्रुप जो है, मेटालिक रेडियस जो है या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, ये बताना है, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो डाउन अ ग्रुप रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं इसलिए क्या बढ़ता है? एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। वैसे इसमें मेटालिक कैरेक्टर का लिखना है। अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन है वो बढ़ता जाता है, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसका रीज़न। ठीक, इस तरीके से हम जा रहे हैं। सो क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज होने का रीज़न, एक भी चौक चल ही नहीं रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सो नियॉन को जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं, यहीं तक ही कंसिडर करेंगे। लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सो देखो, लीथियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 होते हैं, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9। सो
सो जैसे जैसे हम पीरियड में जा रहे हैं प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और साइज छोटा होते जा रहा है, जैसे अगर इसका साइज इतना बड़ा है तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो ये बहुत धीरे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी टाइटली कौन कहाँ से बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस से, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो गया मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर ख़त्म, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इसलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता, क्यों? बिकॉज उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है और ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज कम होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता जाएगा, मुश्किल। इसलिए मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं? तो इस इतना रीज़न के साथ आपको लिखना पड़ेगा और ये ऑलरेडी मैंने आपको आंसर लिखाया हुआ है। ग्रुप में क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करें, ये ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स हैं। सो ग्रुप नंबर किसी भी ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, साइज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस से जो लास्ट शेल है उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर लेगा, और ईजिली लूज कर लेगा मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए किसी भी ग्रुप में जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, समझ में आ गया? सो ये पूरा रीज़न के साथ आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल्स, है ना, तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, सो अगली क्लास में रिवीजन फिर स्टार्ट करेंगे, हम लोगों का कोर्स तो हो ही गया है, मैं सैम्पल पेपर्स लेके आती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 5 चैप्टर थे कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर मैं देखती हूँ अगर सर मैथ्स वाले सर को एक्स्ट्रा पीरियड चाहिए तो ही कैन टेक माई पीरियड ऑल्सो। ठीक, थैंक यू।